नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। उत्तराखंड में आज भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। जिस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के द्वारा जारी लेटेस्ट पूर्वानुमान के मुताबिक आज शुक्रवार को राज्य के पर्वतीय इलाकों में झमाझम बारिश, जबकि मैदानी इलाकों में झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली चमकने की संभावना है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। साथ ही आज 21 जून शुक्रवार को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। तो वहीं कुछ इलाकों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिले में आमतौर पर आज बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर झोंकेदार हवाएं और बिजली चमकने की संभावना को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उधम सिंह नगर और हरिद्वार सहित अन्य मैदानी इलाकों में दोपहर बाद कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने को लेकर भी येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। तो इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 2-3 दिन तापमान में कोई खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। साथ ही मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, जबकि पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के चलते तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। तो वहीं 25 जून के आसपास राज्य में प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू होने के आसार हैं, जबकि महीने के अंत तक मानसून भी राज्य में दस्तक दे सकता है। मौसम की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजे न्यूज़। धन्यवाद।